हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा जोशी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की मात्राओं के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सब तरह की मात्राओं की तीन तीन वर्कशीट्स मैंने संकलित की हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो अपने विद्यार्थियों को मात्राएं सिखाना चाहते हैं, चाहे वो विद्यालय तत्परता कार्यक्रम हो या विद्या प्रवेश का कार्यक्रम हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ए की मात्रा की पहली वर्कशीट ये है। ये वर्कशीट में बच्चे पहले अपना नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे और फिर वर्कशीट नंबर लिखेंगे। जैसे ये ए की मात्रा का पहला वर्कशीट है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ए की मात्रा जो कि इस प्रकार लगाई जाती है कि मात्रा वाले शब्दों को पढ़ो और दो दो बार लिखो। ए की मात्रा के शब्दों को हमें पढ़ना है और यहाँ पर दो दो बार लिखना है। बा पे ए की मात्रा बेर, बेर को आप दो बार लिखना है। खा पे ए की मात्रा खेल, खेल को दो बार लिखना है। ता पे ए की मात्रा तेज, तेज। दा पे ए की मात्रा देश, देश। भा पे ए की मात्रा भेड़, भेड़। पा पे पा, हा पे ए की मात्रा, ला पे बड़ी की मात्रा पहेली, दो बार लिखेंगे। च ह क, ता पे ए की मात्रा चहकते, यहाँ दो बार लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिख कर नई गाने। प रा पे ए की मात्रा श्रे, शान परेशान। च ह क ते चहकते। तो इस प्रकार ए की मात्रा की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। ए की मात्रा की वर्कशीट नंबर 2 है, यहाँ लिख लेंगे वर्कशीट नंबर 2। चित्रों को देखकर नाम लिखिए। ये हमें चित्र दिए गए हैं, यहाँ हमें इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये कौन है? सपेरा। स पापे ए की मात्रा पे, रा सपेरा। तो हम लिखेंगे सा पापे ए की मात्रा पे, रा सपेरा। फिर है कापे ए की मात्रा के, ला केला। ये क्या है? रेल, रेल। तो रापे ए की मात्रा रे, ल, रेल। ये क्या है? केतली, केतली। कापे ए की मात्रा त और लापे बड़ी की मात्रा केतली। पेड़, पेड़। शेर, शापे ए की मात्रा शेर, शेर। तो इस प्रकार से वर्कशीट नंबर 2 रेडी हो गई। बोल बोल कर और साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखना बहुत आवश्यक होता है और कोशिश करेंगे कि शीर्ष लाइन जो हम खींचते हैं ऊपर, ये बिल्कुल सीधी खींचे। तो ये वर्कशीट नंबर 2 हो गई। ए की मात्रा की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यहाँ वर्कशीट नंबर 3 लिख लेंगे। क्या करना है वर्कशीट नंबर 3 में? चित्रों को पहचानो और शब्द लिखो। ये चित्र पहचानना है, किसका चित्र है? लालटेन का, लिख लिया हमने शब्द। और शब्द के अंतिम अक्षर से 2 और ए की मात्रा वाले शब्द बनाओ। तो शब्द का अंतिम अक्षर जैसे न है, यहाँ पर ना से 2 और शब्द बना, ना से 1 और शब्द बनाना नेक, और का से फिर अंतिम शब्द क्या है? का। विकास से 1 और शब्द बनाएंगे केवट, पर वो ए की मात्रा वाले होने चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है मेघ, मेघ मतलब बादल। मापे बड़े, मापे ए की मात्रा मे और घ से घड़ी वाला घ, मेघ। घा से हम लिखेंगे घेवर, घेवर, मिठाई होती है घेवर। रा से फिर हम अंतिम अक्षर रा है, रा से लिखेंगे रेल। हो गई अंतिम अक्षर से। फिर हमें, फिर है ये पेन,
पेन, हिंदी में पेन को ऐसे लिखते हैं पेन, ना से लिखेंगे नेक, नेक मतलब अच्छा, ईमानदार, अच्छा, नेक। क अंतिम अक्षर क है, क से लिखेंगे केला। फिर ये क्या है, मेज, मेज को पहचानेंगे पहले, ये लिखेंगे पहले मेज। जा से अंतिम अक्षर ज है, जा से लिखेंगे जेब। अब अंतिम अक्षर क्या है, ब है, बा से लिख लेंगे हम बेर। ये क्या है बच्चों, सेब। अंतिम अक्षर बा है, बा से लिख लेंगे बेला। लेस, ये कौन है, गणेश, गणेश। शासे लिख लेंगे हम शेर। फिर राया, रासे लिखेंगे रेवती। ये कौन, ये क्या है, हथेली, हाथ नहीं, हथेली, एक ही मात्रा लिख रहे हैं ना, तो हथेली एक ही मात्रा के शब्द लिखेंगे। फिर ला से लिखेंगे लेकर। फिर राया अंतिम शब्द, रा से लिखेंगे रेला। ये क्या है, तेर है, ऐसे लिखेंगे हेमा। मां से लिखेंगे मेला। तो ये वर्कशीट नंबर 3 रेडी हो गई हमारी। आई की मात्रा की कार्यपत्रक संख्या 1 करेंगे, यानी कि वर्कशीट नंबर 1। ये आई की मात्रा ऐसे होती है, चित्र देखकर सही शब्द चुनो। ये क्या है, नैया है, नैया, तो हम नैया पे ऐसे गोला लगा देंगे, नैया। ये नेया हुआ, ये निया हुआ, ये है नैया, तो सही शब्द चुनना है तो नैया पे गोला लगाएंगे। ये क्या है, ना कैंची है, ना कैंची है, ये कैंची है, कैंची। ये क्या है, ना पीसा है, ना पीसा है, ये है पैसा। ये आई की मात्रा है। न तराक है, न तिराक है, यह है तैराक। यह है न बल, न बिल, यह है बैल, पैदल। पदल और पिदल गलत है। थीला, थैला, थिला, थैला। पैर, पैर नहीं, पेरी नहीं, पैर। तो ये वर्कशीट नंबर 1 हो गई आई की मात्रा की। मात्रा की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। चित्रों को पहचान कर नाम लिखो। ये चित्र पहचानने हैं और नाम लिखने हैं, आई की मात्रा लगानी है, आई की मात्रा। तो ये है बैग, बैग, वहां पे आई की मात्रा बैग। सिलेंडर, या गैस भी लिख सकते हैं, सिलेंडर, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं गैस। ये है पैराशूट, पैरा शूट, पैराशूट। सैनिक, ऐनक, इस पे ये ऑलरेडी ए है तो एक ही मात्रा लगती है, ऐनक, ऐनक। ये है नैन। तो ऐसे हम वर्कशीट नंबर 2 पूरी करेंगे आई की मात्रा की। करेंगे आई की मात्रा की वर्कशीट नंबर 3। आई की मात्रा वाले शब्द बनाओ। ये तय है, सै है, पै, गै, खै, तो रा ऐड करके, रा को जमा करके उनके साथ में शब्द बनाना है। तैर, तैर, तैरना, स्विम करना। सैर, सैर। पैर, पैर। गैर, गैर। खैर, खैर। ऐसे ही जैसा।
पैसा, कैसा, पैसा, वैसा। यह आई की मात्रा की वर्कशीट नंबर 3। इस कार्यपत्रक में हम ओ की मात्रा सीखेंगे। ओ की मात्रा के कार्यपत्रक के लिए यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे। जब भी जिस दिन में आप जिस दिवस पर आप ये काम कर रहे हैं उस दिन का दिनांक आप यहाँ लिखेंगे। और ये कार्यपत्रक संख्या 1 है तो यहाँ पर कार्यपत्रक संख्या 1 लिखेंगे। ओ की मात्रा का 1 कार्यपत्रक संख्या है। तो क्या है इसमें करना, क्या है आपको, ओ की मात्रा के शब्द पहचान कर मिलान करो। मतलब ओ की मात्रा का शब्द पहचानना है, मात्रा को की पहचान करनी है और चित्र से उसका मिलान करना है। तो पहले हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे। बापे ओ की मात्रा बो त ल, बोतल। तापे ओ की मात्रा टो, पापे पड़ी की मात्रा पी, टोपी। तो बोतल कहाँ है, बोतल ये है तो हम यहाँ मिलान कर देंगे। टोपी कहाँ है, टोपी यहाँ है तो हम ऐसे मिलान कर देंगे। रापे ए की मात्रा रे, डी यो, रेडियो। रेडियो कहाँ है, ये है रेडियो। गो ओ की मात्रा गो भी, गो भी यहाँ ऐसे मिलान कर देंगे। मापे ओ की मात्रा मोर, मोर कहाँ है, ये रहा मोर, तो यहाँ मिलान करेंगे। जापे ओ की मात्रा जो कर, जोकर कहाँ है, ये है जोकर। खरगोश, खरगोश। टोकरी, टोकरी। तोता, तोता। ढोल, ढोल। कटोरा, कटोरा। योगा, योगा। चोर, चोर। झोला, झोला। घोड़ा, घोड़ा। चोंच, चोंच। तो इस तरह से हम ओ की मात्रा के शब्दों को पहचान कर मिलान कर लेंगे। तो ये हो गया ओ की मात्रा का कार्यपत्रक संख्या 1। ओ की मात्रा सीखने के लिए अब हम ओ की मात्रा की कार्यपत्रक संख्या 2 करेंगे। तो यहाँ नाम लिख लेंगे, दिनांक लिख लेंगे, कार्यपत्रक संख्या 2 लिखेंगे। क्या करना है, आइए ओ की मात्रा के कुछ शब्द बनाएं। ओ की मात्रा के हमें कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे को, कोट, कोमल, कोई, मोर, मोटा, मोटी, ऐसे बनाएंगे हम। हाँ, गो, गोल, कोरा, कोटी, रो, रोटी, रोज, रोम। इस तरह से हम सब शब्द बनाएंगे। हम ओ की मात्रा के कुछ शब्द बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कार्यपत्रक संख्या 2 ओ की मात्रा का। यहाँ अपना नाम लिखेंगे या दिनांक लिखेंगे। ओ की मात्रा का कार्यपत्रक संख्या 3, वर्कशीट नंबर 3, ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के मिलते जुलते शब्द लिखो। ओ की मात्रा के मिलते जुलते शब्द लिखने, कोई, सोई, रोई, मोर, चोर, ओर, गोटा, मोटा, लोटा, झोकर, धोकर, होकर, मोती, होती, होती,
मोरी, मोरी कहते हैं नाली को। गोरी, लोटा, मोटा, मिलते जुलते शब्द मिले लिखने हैं हमें जिनका जिनकी आवाज एक जैसी हो। छोटा, और ओ की मात्रा भी आती हो। घोड़ा, थोड़ा, मोड़ा, सोना, रोना, खोना, ओ की मात्रा के मिलते जुलते शब्द। सब में ओ की मात्रा आई है और सबकी आवाज मिलती जुलती है, तो ये हुआ कार्यपत्रक नंबर 3 ओ की मात्रा का। औ की मात्रा की वर्कशीट में सबसे पहले हम ये नंबर 1 वर्कशीट करेंगे। यहाँ नाम लिखेंगे या दिनांक लिखेंगे और यहाँ वर्कशीट की संख्या लिखेंगे, कौन से वर्कशीट नंबर कर रहे हैं। जैसे औ की मात्रा की वर्कशीट नंबर 1 है तो यहाँ लिखेंगे हम 1। करना क्या है, औ की मात्रा के शब्दों को लिखकर अभ्यास करो। मतलब ये औ की मात्रा के शब्द दिए हैं, ऐसे बनती है औ की मात्रा के शब्दों को 3-3 बार यहाँ पर लिखना है। अगर बोल बोल के लिखेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा। जैसे का पे औ की मात्रा कऊ, आ कौआ, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, कऊ आ कौआ मीन्स क्रो, कऊ आ कौआ। इसी तरह से हम सब लिखेंगे, औरत औरत, औ की मात्रा छौना, बी छौना, तो 3 बार लिखेंगे इसको, बी छौना, बी छौना, बी छौना, बी छौना। अब ऐसे ही हम सब लिख के रेडी करेंगे। की मात्रा की वर्कशीट में सबसे पहले हम ये नंबर 1 वर्कशीट करेंगे। यहाँ नाम लिखेंगे या दिनांक लिखेंगे और यहाँ वर्कशीट की संख्या लिखेंगे, कौन से वर्कशीट नंबर कर रहे हैं। जैसे औ की मात्रा की वर्कशीट नंबर 1 है तो यहाँ लिखेंगे हम 1। करना क्या है, औ की मात्रा की शब्दों, औ की मात्रा के शब्दों को लिखकर अभ्यास करो। मतलब ये औ की मात्रा के शब्द दिए हैं, ऐसे बनती है औ की मात्रा, औ की मात्रा के शब्दों को 3-3 बार यहाँ पर लिखना है। अगर बोल बोल के लिखेंगे तो अच्छा अभ्यास होगा। जैसे का पे औ की मात्रा कौ, आ कौआ, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, कौ आ कौआ मीन्स क्रो, कौ आ कौआ। इस तरह से हम सब लिखेंगे, औरत औरत। छापे औ की मात्रा छौना, बी छौना, तो 3 बार लिखेंगे इसको, बी छौना, बी छौना, बी छौना, बी छौना। अब ऐसे ही हम सब लिख के रेडी करेंगे।
तो ये वर्कशीट नंबर एक रेडी हो गई अ की मात्रा की। अब इसी तरह से हम वर्कशीट नंबर दो करेंगे, उसमें कुछ दूसरी एक्सरसाइज है। तो ये वर्कशीट नंबर एक है अ की मात्रा की, वर्कशीट नंबर दो अ की मात्रा की। इसमें यहाँ आप नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, और ये वर्कशीट नंबर दो है तो दो लिखेंगे। औ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। यहाँ जहाँ जगह छुटी है वह औ की मात्रा लगानी है और फिर शब्दों को पढ़ना है। तो यहाँ लगाएंगे हम ऐसे करके औ की मात्रा पौधा, औ की मात्रा पौधा पौधा। ये लगाएंगे गा पे औ की मात्रा गौरव। ये लगाएंगे दा पे औ की मात्रा दौलत। चा पे औ की मात्रा चौकीदार। दा पे औ की मात्रा दौड़। आ पे औ की मात्रा औषधि, औषधि मीन्स मेडिसिन। मा पे औ की मात्रा मौसी। मा पे औ की मात्रा मौसम। चा पे औ की मात्रा चौखट। चा पे औ की मात्रा चौराहा। का पे औ की मात्रा कौन। जा पे औ की मात्रा जौहरी। फा पे औ की मात्रा फौजी। चा पे औ की मात्रा चौदह 14। पा पे औ की मात्रा पकौड़ी। का पे औ की मात्रा पकौड़ी कौड़ी पकौड़ी। चौकी मौज लौकी लौटा गौरैया मीन्स स्पैरो। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट नंबर दो औ की मात्रा की, कि सब हमें सब जगह यहाँ औ की मात्रा लगानी थी। तो इसको आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। तो ये हो गई वर्कशीट नंबर टू। तो ये है वर्कशीट नंबर तीन औ की मात्रा की। तो वर्कशीट नंबर तीन यहाँ लिख लेंगे, नाम लिखेंगे या दिनांक लिखेंगे। औ की मात्रा के शब्द भर कर वाक्य पूरे करो। यहाँ औ की मात्रा वाले शब्द भरने हैं और पूरा सेंटेंस हमें पूरा करना है, और फिर हम सेंटेंस को वाक्य को पढ़ेंगे भी। पिताजी मेरे लिए क्या लाए, खिलौना। औ की मात्रा का शब्द लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो ये लाइन के नीचे लिखा जाता है, कभी भी हम हिंदी को लाइन के ऊपर नहीं लिखेंगे। खिलौना लेकर आए, ये ला पे लगाई हमने औ की मात्रा खिलौना। सुहाना क्या है, मौसम है। मा पे औ की मात्रा मौसम। रोटी बना रही है मौसी। औ की मात्रा लगानी है इसलिए हमने मौसी लिखा, मौसी। रही है मतलब यहाँ हमें किसी लेडी का नाम, लेडी को लेडी के लिए लिखना है, किसी औरत के लिए लिखना है, तो हमने मौसी लिखा। महेश सुरेश का चौकीदार है, चौकीदार। उसने दुकान से औषधि खरीदी, जो अभी हमने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा है, औषधि मतलब मेडिसिन। वे चौराहे से आए हैं, चौराहे। आज माँ ने बीज बोया है, लौकी का बीज बोया है, लौकी। ने घड़े में घड़े में से पानी पिया, गौरैया। गौरैया ने घड़े में से पानी पिया, गौरैया मतलब स्पैरो। बगीचे में गई, कौन गई बगीचे में, मौली। मौली बगीचे में गई, ये हमने नाम लिखा है मौली। सेहत के लिए अच्छा होता है, क्या सेहत के लिए अच्छा होता है, दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है, दौड़ना। तो इस तरह से हम ये औ की मात्रा की वर्कशीट नंबर तीन पूरी करेंगे। औ की मात्रा के शब्द भर के हमें वाक्य पूरे करने थे, एक बार हम दोबारा से वाक्यों को पढ़ भी सकते हैं। वर्कशीट नंबर चार है औ की मात्रा के लिए। ये औ की मात्रा की ही वर्कशीट, चार वर्कशीट मैंने बनाई है। यहाँ वाक्य बनाने हैं इन शब्दों को लेकर, हमें औ की मात्रा को लेकर वाक्य बनाने हैं। कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं।
तो मौज का बनाना है खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। पूर्ण विराम, वाक्य हमने मौज का बनाया है तो हम इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। दिन में थोड़ा मौन रखो, दिन में कुछ समय के लिए मौन रखो, कुछ समय मौन रखो, मौन रहो मतलब चुप रहो। कुछ समय के लिए हमें दिन में चुपचाप रहना चाहिए, ईश्वर का को याद करना चाहिए। गौरी, गौरी खेल रही है, गौरी खेल रही है। दौलत, दौलत से सब कुछ नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। इस तरह से हम सारे लिख के पूरे करेंगे। चौराहा, यह चौराहा बहुत बड़ा है। नौकरी, रमेश नौकरी करने मेरठ गया। औजार, यह औजार बहुत पैना है, पैना मतलब शार्प। चौड़ी, वहां सड़क बहुत चौड़ी है। सौदागर, बाजार में सौदागर आए हैं, सौदागर मतलब व्यापारी। चौकीदार मतलब गार्ड, चौकीदार रात में पहरा देते हैं। तो ये औ की मात्रा की कार्यपत्रक संख्या 4। अंक की मात्रा की वर्कशीट करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 1, अंक की मात्रा वाले शब्द का मिलान करो। अंक की मात्राएं दी हैं यहाँ पर, ये ऐसे लगाते हैं डॉट, इसको अंग अंग की आवाज आती है, कहीं कहीं मुंह की आवाज भी आती है। अंगूर, ये है अंगूर, अंगूर। मंदिर, पलंग, जिसके ऊपर मात्रा लगाती वहीं पे आवाज आती है लंग। पंखा, बंदर, कंघा, हंस, हंस, पतंग, पतंग, अंडे, अंडे। तो ये हो गया अंक की मात्रा, आवाज आती है अंग। तो ये हो गई अंक की मात्रा की वर्कशीट। अंक की मात्रा की वर्कशीट नंबर 2, अंक की मात्रा वाले शब्द बनाओ। हाँ पे अंक की बिंदी, हंस, हंस, मात्रा लगानी है और शब्द बनाने हैं। का पे लगानी है अंक की बिंदी, कंस, कंस। सा पे अंक की बिंदी, संग, संग। पा जमा अंक की बिंदी यानी पा पे लगेगी बिंदी, पंख। सा पे, सा जमा अंक की बिंदी, संतरा, संतरा। ब न बंग द र, बंदर। चंदन, चा पे लगेगी अंक की बिंदी, चंदन। मंदिर, मंदिर। अंगूर, अंगूर। संसार, संसार। तो ये हो गई अंक की बिंदी के शब्द पूरे। ये आह की मात्रा वाली कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक संख्या 1। अह की मात्रा को पढ़ो, शब्दों को पढ़ो और 3-3 बार लिखो। छ पे अह की मात्रा, छ, 3-3 बार लिखना है, अह आवाज आती है, छ। पुनः, 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 पुनः। प्रातः,
इसी तरह से हम सारे लिख लेंगे। ऋतु दुख नमः अतः दुशासन निःशब्द निःसहाय। तो ये तीन तीन बार लिख लेंगे। ये मैंने सारे तीन तीन बार लिख के पूरे कर लिए हैं। आप भी इनको बोल बोल कर तीन तीन बार लिखिए और इनका अभ्यास करिए। तो ये हो गई हमारी अह की मात्रा की वर्कशीट नंबर 1। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। इसी तरह की और वर्कशीट्स और वीडियो इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं आप। बाय।